अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो टू ऑफ वीक 14। हम रिलेशन अलजेब्रा का टॉपिक है, लेकिन हम अभी कुछ और ही कर रहे हैं। प्रीवियस क्लिप में, जो वीडियो में हमने क्या देखा था, सेट ऑपरेशंस देखे थे। अभी हम सब क्यूरीज करते हैं। सब क्यूरीज, आपके पास मल्टीपल टेबल्स में से आपने डाटा निकालना है। अज्यूम करें ये हमारे पास एक डाटा सेट है जिसके ऊपर हमने क्यूरीज लगानी है। और क्यूरी क्या है, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स हैविंग हाईएस्ट बजट। हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे एम्प्लॉय के नेम चाहिए, सॉरी ऐसे नेम ऑफ प्रोजेक्ट्स चाहिए जिनका बजट क्या हो, हाईएस्ट हो। तो यहाँ पर देखिए, हमें प्रोजेक्ट का नेम चाहिए। इस टेबल के ऊपर क्यूरी लगेगी आपकी, तो सिलेक्ट पी नेम। यहाँ पर मेरी क्यूरी जो बनेगी, सिलेक्ट पी नेम एज नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर बजट इज इक्वल टू। अब जो क्यूरी है, अगर तो मेरे पास वैल्यू दी गई होती तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के आगे क्यूरी वैल्यू लगा देता, लेकिन वैल्यू नहीं दी गई। उसने कहा हाईएस्ट बजट। अब आप बड़ा सोच रहे होंगे, यार हाईएस्ट बजट इधर से निकाल लेना, ऐसे नहीं होता होता। हमें क्या पता हाईएस्ट बजट क्या है, हम डाटा को नहीं देख रहे होते, हमने स्कीमा को देख के क्यूरी लगानी होती है और रिक्वायरमेंट निकालनी होती है उसमें से। और ये तो आपके पास चार रोज हैं, 100,000 मिलियन ऑफ रोज हो, तो वहाँ से हाईएस्ट कैसे निकालेंगे आप। तो बजाय इसके कि आप यहाँ से खुद मैनुअल निकालें, हमारे पास एक क्यूरी होती है जो ये करके देती है, कौन सी, सिलेक्ट मैक्स बजट फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो ये मैक्सिमम निकालेगी, तो इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इसका मतलब है पहले ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हो, इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये रिजल्ट जाना चाहिए ऊपर वाली क्यूरी में। तो उसका क्या आ जाएगा, हाईएस्ट बजट निकाल के देगा 3,10,000, और फिर उसकी बेस पे उसने क्या कर देना है, मेंटेनेंस निकाल देनी है। तो ये हमारे पास क्यूरी बनेगी, सिलेक्ट पी नेम एज नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर बजट इज इक्वल टू। वो जो क्यूरी थी वो यहाँ पे लगा दी। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगी, पहले ये जो इक्वल के बाद जो क्यूरी आ रही है ये ब्रैकेट में लगी हुई है, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 3,10,000 वो आ जाएगा, इसको ये क्यूरी बन जाएगी, सिलेक्ट पी नेम एज नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर बजट इज इक्वल टू। तो इसका ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, पी नेम मेंटेनेंस। इसे हम कहते हैं सब क्यूरी। इसे हम क्या कहते हैं, सब क्यूरी। क्यूरी के अंदर एक क्यूरी होती है, पहले वो क्यूरी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, वो जो इनर क्यूरी है उसी को हम सब क्यूरी कह रहे हैं। नेक्स्ट एक क्यूरी देखें, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर गेटिंग 40,000 सैलरी। हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जो 40,000 सैलरी ले रहे हैं। अब एम्प्लॉय की क्यूरी चाहिए, एम्प्लॉय का तो इस टेबल के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो क्यूरी क्या बनेगी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, कंडीशन कहाँ पर लगाऊँ मैं, सैलरी के ऊपर कंडीशन है और सैलरी का कॉलम यहाँ पे नहीं है। सो व्हाट शुड आई डू, अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको सैलरी मिलेगी पे से। सैलरी कहाँ से मिलेगी, पे से। अब सैलरी अगर पे से मिलनी है तो इसका मतलब है क्यूरी यहाँ पे से कैसे मिलेगी, यहाँ से आपको मिलना चाहिए टाइटल किसका, जिसकी 40,000 है, और ये वैल्यू आपको वहाँ पे भेज देनी चाहिए। देखें सैलरी मिलेगी 40,000 वाले की, तो की क्या बनी, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम पे वेयर सैलरी इज इक्वल टू 40,000। यहाँ से मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऊपर चला जाएगा उस क्यूरी में। तो इसका मतलब ये सब क्यूरी हम उसको दे देंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ये वाला आएगा। तो इसका डाटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्यूरी बन गई, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल इज इक्वल टू सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 40,000। तो ये आपकी सब क्यूरी बन जाएगी, इसके अगेंस्ट ये वाला डाटा मिल जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग 40,000 सैलरी। अब पहले क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस क्यूरी और इसमें, बाकी वही चीज है। पहले हमें एम्प्लॉयज चाहिए, सारे को चाहिए थे, अभी आपको सिर्फ नेम चाहिए। तो अगेन वही चीज, आपको एम्प्लॉय में से डाटा चाहिए, लेकिन अगर मैं क्यूरी लिखूं सेलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वही बात है, मैं कंडीशन कहाँ पे लगाऊंगा, तो आपको वही दूसरा टेबल देखना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम पे वेयर सैलरी इक्वल 40,000, वो इसकी सब क्यूरी बन जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रिजल्ट यहाँ से लेके उधर ले देना पड़ेगा, और आपको क्या मिलेगा, ये दो आपके पास रिकॉर्ड आ जाएंगे नेम वाले, और ये आपका रिजल्ट है, ये आपकी क्यूरी बन गई, सेलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टाइटल इज इक्वल टू सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 40,000। ये आपकी क्या होगी, सब क्यूरी होगी। तो सब क्यूरी आपने देखना है कि आपको किस टेबल का डाटा चाहिए और फिर किस टेबल के ऊपर क्या है आपकी क्यूरी है, तो उसका कनेक्शन कौन बना रहा है। यहाँ पे देखें टाइटल बना रहा था,
अगर इसके साथ होगा तो ई नंबर बना रहा होगा एंड सो ऑन। अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दोज प्रोजेक्ट्स हुज ड्यूरेशन इज मोर देन 24। हमें चाहिए प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट चाहिए कौन से जिनकी ड्यूरेशन क्या हो मोर देन 24 हो। अगर यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ड्यूरेशन का कॉलम ही नहीं है। वैसे तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से चाहिए प्रोजेक्ट में से, लेकिन सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर, अब कंडीशन क्या लगानी है उसको देखें तो हमें कंडीशन ASG के ऊपर लगानी पड़ेगी क्योंकि ड्यूरेशन वहाँ पे पड़ी हुई है, तो हमें उसके ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ड्यूरेशन देखनी है आपने कौन सी क्यूरी लगेगी। सेलेक्ट ड्यूरेशन, सेलेक्ट क्या कहते हैं, सॉरी, अब यहाँ पे कनेक्ट कौन करेगा, कनेक्ट कर रहा है पी नंबर। हमें यहाँ से पी नंबर कनेक्ट लेना पड़ेगा और पी नंबर इसको देना पड़ेगा। तो पी नंबर आप कनेक्ट यहाँ से लेंगे किसके, जिनकी वो क्या है ड्यूरेशन मोर देन 48 है। तो कौन कौन से हैं, ये जो 48 24 से मोर देन ये है। तो आपकी जो क्यूरी है सिलेक्ट पी नंबर फ्रॉम ASG वेयर ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन। पी नंबर क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ से डाटा यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग कॉलम कौन सा है, पी नंबर। तो आपने कनेक्टिंग कॉलम देखा है, तो ये डाटा यहाँ पे आएगा। यहाँ से डाटा आएगा तो आप देखें कौन कौन सा डाटा है, P4 और P3। तो यहाँ से P4 और P3 बन जाएगा, यही आपका डाटा बन जाएगा। क्यूरी बनी सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर पी नंबर इज इक्वल टू, अगर करेंगे सिलेक्ट पी नंबर यहाँ पे एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है सिलेक्ट पी नंबर फ्रॉम ASG वेयर ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 24, इसके दो रिजल्ट है, तो एक P4 था एक P3 था। P4 और P दो रोज आएंगी, और दो रोज इक्वल से कंपेयर नहीं होती है। आपको पता है इक्वल से सिर्फ एक वैल्यू कंपेयर होती है, अब मल्टीपल वैल्यूज कंपेयर करनी है आपने। तो हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था n मल्टीपल थिंग्स को एग्जैक्टली ऑपरेट कंपेयर करता है, तो इक्वल की जगह हम क्या लगा देंगे n, तो n का ऑपरेटर लगेगा। तो बेस्ट चीज ये होती है कि जब भी आप सब क्यूरी लिखें तो यहाँ पे इक्वल की बजाय n यूज किया करें, इक्वल की बजाय n यूज किया करें, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास सब क्यूरीज है, तो इनको हम दूसरी वीडियो में भी देखेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ सब क्यूरी का। तो आपने जो है ना बेसिक आपने पिन पॉइंट करना है कि आपने नोट करना है इस क्यूरी में व्हाट यू वांट टू रिट्रीव, आपको रिट्रीव क्या करना है, और फिर आपने देखना है कि कंडीशन कहाँ पे लगी हुई है। वी हैव टू रिट्रीव प्रोजेक्ट बट कंडीशन वाज ऑन ASG। फिर आपने देखना है क्या ASG और प्रोजेक्ट का आपस में कोई लिंक है। कभी कभार लगता है डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, तीसरे टेबल के थ्रू होगा, अभी अगर एग्जांपल देखेंगे तो फिर हम वो वे लेते हैं, वो पास सेलेक्ट करते हैं कि किस तरीके से लिंकेज बनेगी। अभी तो डायरेक्ट बन रही थी, पी नंबर के साथ बन रहा था, तो यहाँ से पी नंबर सेलेक्ट करके इसको दिया तो इसने आपको रिजल्ट दे दिया। थैंक यू, वी हैव टू मूव अनदर वीडियो।